नमस्कार, ऐसे न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग हैं कनॉट प्लेस के अंदर। कनॉट प्लेस के अंदर हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जो भारत की बहुत सुप्रसिद्ध हस्ती हैं, जिन्होंने बहुजन समाज के देश ही नहीं विदेश तक में अपना नाम फैलाया है, पूरे बहुजन समाज का। और किसी भी बहुजन समाज के ऊपर कोई भी कष्टदायक या कोई आंदोलन होते हैं तो बढ़ चढ़कर उसको हिस्सा लेते हैं हर एक संगठनों के अंदर। उनका नाम है केपी चौधरी, यथा नाम तथा गुण जैसा हाल है उनका। केपी चौधरी साहब, आपका एसएम न्यूज़ में स्वागत है। जी धन्यवाद, थैंक यू। चौधरी साहब, एक बात बताइए, आप बहुजन समाज की बहुत बात करते हैं, हर एक चीज़ में बहुजन समाज होता है, बीएसपी के लिए भी कार्य करते हैं, तो ये जो चीज़ है ये कब से कर रहे हैं और क्या है वो, जरा उसके बारे में बताएं। देखिए, ये तो किसी व्यक्ति विशेष की जब बात करें या मेरी बात करें तो ये तो एक इनबिल्ट आदमी के अंदर जो भावनाएं होती हैं वही उसके मुंह से निकलती हैं। अगर उसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो, वो निस्वार्थ भाव से कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है जी। तो नेचुरल है, हर आदमी ये चाहेगा इस भारत की सामाजिक व्यवस्था में, अगर बहुजन समाज का वो व्यक्ति है जी। तो ये चाहेगा कि बहुजन समाज का ही कोई व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बने जी। बहुजन समाज के लोगों का वो भला देखे, सुनिश्चित करे। और ये बहुजन समाज की प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि अब जो समय चल रहा है, जो हालात इस देश में समय बने हुए हैं, उसमें हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। और बहुजन समाज आने वाले समय में इस देश का रिप्रेजेंटेशन करे, प्रतिनिधित्व करे, और इसी बहुजन समाज का कोई व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री कुर्सी बैठे, ये जिम्मेदारी मेरी सोच से हर व्यक्ति की बनती है जो बहुजन समाज से ताल्लुक़ रखता है।